सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजमा की सब्जी बनाने की रेसिपी, सुपर यम्मी टेस्ट के साथ। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना परफेक्ट आया है। अगर इसी टिप्स के साथ आप सब्जी बनाएंगे तो लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। राजमा की सब्जी बनाने के लिए आप इसको 7 से 8 घंटे के लिए पहले भिगो दें, और आप देख सकते हैं ये अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसको उबाल लेंगे। अब हम इसे एक कुकर में डाल देंगे। इसे अंदर कटोरी से एक कटोरी पानी डाल देंगे। पानी ऊपर तक है। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे और एक बड़ी इलायची डालेंगे। उबालते वक्त डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक। अब इसमें हम को बंद कर देंगे और 5 से 6 सीटी आने तक मीडियम आंच पर पका। कढ़ाई हो चुका है गरम और इसमें हम ऑयल डाल चुके हैं। आधा चम्मच जीरा डालेंगे, तेजपत्ता को हम तोड़ चुके हैं, इसमें 5 तेजपत्ता डालेंगे और 2 चुटकी हींग डालेंगे। सभी को मिक्स कर देंगे। मीडियम साइज के हम प्याज को लंबा काट चुके हैं और 20 करीब 20 पीस लहसुन की कलियां हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब इसको चलाते हुए हम भून लेंगे। अब इसी स्टेज पे हम इसमें लहसुन डालेंगे और 5 लाल मिर्च डालेंगे। तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो रहा है। इसी तरीके से इसे हम थोड़ी देर और भून लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस। प्याज अच्छे से भून चुका है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और सभी को 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट लाने के लिए राजमे की सब्जी को हम यहाँ पे 2 छोटी इलायची पीस कर डाल रहे हैं। इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है। अब हम इसको पीस लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से हम भून चुके हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हैं सभी थोड़े मसाले हम निकाल चुके हैं और तेजपत्ता को हमने साइड में कर दिया है, इसे नहीं पीसना है। सभी मसालों का हम पेस्ट बना चुके हैं और इसमें डाल देंगे। फिर इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, नमक हम राजमा उबालते वक्त भी डाल चुके हैं इसलिए इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जो इलायची को हम पीसे हैं आपको पहले बता चुके हैं, उसका पेस्ट डालेंगे।
हल्दी नहीं डाले हैं, हल्दी हम उबालते वक्त राजमे में डाल चुके हैं, इसलिए है हम यहाँ हल्दी पाउडर का यूज नहीं किए हैं। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। राजमा को हम उबाल चुके हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुका है, अब हम इसे भुने हुए मसाले में डाल देंगे। देखा आपने कितना झटपट बनकर ये सब्जी तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी है ये, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।